तन्वी, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल आईलाइनर पेंसिल आपके लिए, जो कि नायका कॉस्मेटिक से है। तो आइए देखते हैं, ये रही नायका की आईलाइनर पेंसिल, नायका ग्लैमोराइज। एंड जो शेड मेरे पास है, जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, वो है टील स्पेल 02। एंड आप इस आउटर पैकेजिंग में देख सकते हो, कलर कोऑर्डिनेटेड पैकेजिंग है ये। एंड यही शेड है आईलाइनर का। बहुत ही सुंदर पैकेजिंग लगती है मुझे नायका के प्रोडक्ट्स की, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही चिक। ये पिंक पिंकिश रेड कलर की जो ये कॉम्बिनेशन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो अब मैं आपको बता दूं इसकी प्राइस, ये आता है ₹450 का। एंड अब मैं इसको खोलते हैं हम। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, ये आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल है इन ऑल नायका स्टोर्स एंड नायका ऑनलाइन। सो फ्रेंड्स, ये जो आईलाइनर पेंसिल्स है, ये हमारी आती है अराउंड 9 to 10 शेड्स में अवेलेबल है। एंड ये जो शेड मैंने लिया है, वो जो टील स्पेल करके, ये एक बहुत ही प्यारा ब्लू कलर है। आप देख सकते हो, ये देखें, कलर कोऑर्डिनेटेड पेंसिल्स है। सो दैट बहुत ही इजी रहता है, अगर आप इसने इसको अपने स्टैश में छोड़ रखा है एंड पिकअप करना है फटाक से, तो खोल के देखने की जरूरत नहीं है। सो कलर कोऑर्डिनेशन आपको बहुत हेल्प करता है इस चीज में। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूं, ये देखें, ये देखे गाइस, बहुत पिगमेंटेड है ये। मैं आपको इसका स्वाश दिखाती हूं, मतलब एक ही लाइन में आपको बहुत ही अच्छा कलर मिल जाता है। ये देख रहे हैं आप, जैसे कि ये ब्लू कलर है, तो ये आप बहुत जन होते हैं कि ये इस ब्लू को बहुत प्रेफर नहीं करते, तो मैं आज आपको 3 तरीके दिखाऊंगी जो आप इस ब्लू को कैसे आप लगा सकते हो 3 तरीके में। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको एक शार्पनर जरूरत होगा हमेशा, क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड है, तो बहुत जल्दी ये ऊपर से ब्लंट हो जाता है। इसके साथ आप प्रिसाइज आईलाइनर की जो विंग है, वो आप इसके साथ नहीं बना सकते हो, बिकॉज पेंसिल लाइनर्स में ये एक प्रॉब्लम रहती है कि आगे से ब्लंट हो जाते हैं एंड प्रिसाइज लाइन नहीं बनती। फ्रेंड्स, इसकी जो स्टेइंग पावर है बहुत ही अच्छी है, आप लगाओ एंड जस्ट फॉरगेट इट। आपको एक मेकअप आई मेकअप रिमूवर ही चाहिए होगा इसको मिटाने के लिए। जैसे अभी मैंने इसको स्वॉच किया, तो ये देखें, ये बिल्कुल भी स्मच नहीं हो रही, क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड मुझे बहुत पसंद है ये। एंड प्राइस भी इसका जो ₹450 है, इसके लिए आई एम रेडी टू पे इट, बिकॉज ये वर्थ इट है। दिस पेंसिल इज वर्थ ₹450। कभी कभी डिस्काउंट भी होते हैं, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल सकती है, जब भी डिस्काउंट चल रहे होंगे नायका में। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको लगाने के 3 अलग तरीके, सो दैट आप ये कलर कैसे आप कैरी कर सकते हो। गाइज, दिस इज द फर्स्ट वे इन विच यू कैन अप्लाई दिस आई लाइनर। इसको एज अ प्रॉपर आई लाइनर ओनली, लाइक ओनली वन कलर, नो कॉम्बिनेशन विद ब्लैक और समथिंग। बट मुझे ये टील कलर ना ऐसे लगाने में अच्छा नहीं लगता, बिकॉज इसमें मेरा फेस थोड़ा डल लगता है, जैसे अभी मैं डल लग रही हूँ। सो मैं हमेशा इसको कंबाइन करती हूँ, बट आप अगर इसको कैरी कर सकते हो तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो। मैं ऐसे कभी नहीं लगाती इसको, मैं हमेशा इसको लोअर लिड में लगाती हूँ, जो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगाते हैं। सो फिलहाल फर्स्ट वे जिसको जिस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, वो है ऐसे अपर लिड में लगा के। सो फ्रेंड, दिस इज द सेकेंड वे इन विच इन द वे यू विच यू कैन अप्लाई दिस टील कलर्ड लाइनर। आप इसको अपर लिड में लगा सकते हो, एज वेल एज आप अपने लोअर लिड में भी लगा सकते हो वाटर लाइन में, सो दैट आप अपनी पूरी आई को एक सेम कलर से कवर अप कर सकते हो। मैं ऐसे भी नहीं इसको यूज करती, मैं इसको हमेशा ऊपर ब्लैक लाइनर और नीचे इस शेड से अपनी वाटर लाइन फिल करती हूँ, जो मैं आपको इसके बाद दिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, ये थर्ड वे है जो आप इस टील कलर को आप यूज कर सकते हो। आप अपनी लोअर वाटर लाइन में लगा सकते हो एज काजल, एंड उसको ऊपर अपर लिड में आप लगा सकते हो ब्लैक लाइनर,
सो दैट अगर आपने इस शेड में कुछ पहना है या फिर फुल ब्लैक में पहना है, जैसे मैंने फुल ब्लैक में पहना हुआ है, तो मैंने अगर इसको ऊपर ब्लैक के साथ लगा लिया और नीचे मैंने इसको ब्लू लगा लिया, तो ये बहुत ही अलग है, डिफरेंट लुक देता है. सो ये है थर्ड वे जिसको जिस जैसे आप इसको लगा सकते हो. ये देखें, हे फ्रेंड्स, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने फर्स्ट डॉगी से, जो कि पग है. ये रहा वो, ये देखे से बूजो. हाय बूजो, बूजो से हाय. बहुत ही प्यारा है. अभी ये सिर्फ 41 डेज का है. ही इज अ मेल एंड इसका नाम हमने रखा है बूजो. ये मेरा फर्स्ट डॉग है. आई वॉज वेरी बहुत अफ्रेड थी, बहुत नर्वस हूं मैं अभी भी कि पता नहीं इसका ख्याल रख पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी. बाकी लेट्स सी. देखो, यू सो नॉटी. ही इज जेट ब्लैक कलर. अभी इसको ठंड लग रही है. ये देखे देखे देखे, पता नहीं, लेट्स सी कैसे होता है, कैसे मैनेज करती हूँ मैं इसको. हे बूजो, से हाय एवरीबॉडी. हाय बूजो, हाय बूजो, बूजो से हाय. देखे कैसा लग रहा है आपको. ये है इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो एंड आपको पूजो अच्छा लगा हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज अगर आगे आपने देखना है हमें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप न्यू व्यूअर हैं. एंड टिल देन, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, पूजो लव यू, पूजो लव यू, बाय फ्रेंड्स.